हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं और हमारे विवेक त्रिपाठी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, रुद्र विक्रम सिंह वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत मनोज काका आपका, विजय उपाध्याय आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक, इन कानूनी दाव पेचों को अगर समझने की कोशिश करें तो अगर सरकार इस फैसले पर आगे बढ़ती है, जैसे कि ब्रजेश पाठक से अभी बातचीत की शैलेश ने, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम आरक्षण को नहीं छोड़ेंगे, जो ओबीसी वर्ग है उसको हम साथ लेकर चलेंगे, उनका हक किसी भी तरीके से नहीं मारा जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। अब पूरी प्रक्रिया को अगर आगे की तरफ समझने की कोशिश करें तो क्या सरकार का स्टैंड हो सकता है? देखिए गुंजन, आरक्षण कोई भी नहीं छोड़ेगा। ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको छोड़ना नुकसानदायक साबित होगा, चाहे भाजपा हो या सपा हो, दोनों के लिए आपस में खींचतानी जारी है इस बात को लेकर। अब हाईकोर्ट ने जो आज आदेश दिया है वो बहुत स्पेसिफिक आदेश है, एकदम स्पष्ट आदेश है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराया जाए और ओबीसी आरक्षण के बगैर कराया जाए, यानी जब राज्य सरकार ने व्यवस्था दी थी ओबीसी आरक्षण की, जब ये चुनाव की तैयारियां चल रही थी तब राज्य सरकार की तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी ओबीसी आरक्षण की, जिन सीटों पर दी गई थी, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। उसने राज्य सरकार की व्यवस्था को नहीं माना और राज्य, चूँकि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव की तैयारी की जाए। राज्य सरकार से क्या कहा है हाईकोर्ट ने कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, अगर ओबीसी आरक्षण आपको चाहिए तो आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। ट्रिपल टेस्ट का एक हिस्सा होता है कमीशन का गठन, कमीशन गठित होगा, फिर वो कमीशन जांच करेगा, पड़ताल करेगा, अपनी संस्तुतियां देगा, उसमें लंबा समय लगेगा, 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप ओबीसी आरक्षण कराना चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट कराइए, लेकिन ये ट्रिपल टेस्ट इस चुनाव के लिए नहीं होगा, ये ट्रिपल टेस्ट अगले चुनाव के लिए होगा, जो अगले चुनाव होंगे उनमें लागू होगा, ये इसमें लागू नहीं होगा। तो राज्य सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, राज्य सरकार के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर वो हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव नहीं कराती है या चुनाव से असहमत होती है, हाई कोर्ट के आदेश से असहमत होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, सिर्फ एक ऑप्शन है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से राज्य सरकार, जो भाजपा सरकार है उसके सहयोगी संगठन है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ नगर विकास विभाग है, वो हाई कोर्ट का आदेश लेकर अध्ययन कर रहा है, उस पर जो लीगल, जो विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनसे राय मशवरा किया जा रहा है कि अब इसका जवाब क्या होगा, इस आदेश की व्याख्या वो कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं तमाम। मैं इस समय विभाग के बाहर ही खड़ा हूं और अंदर अधिकारी तमाम बैठे हुए हैं, बिल्कुल अध्ययन किया जा रहा है, आज बैठक भी होनी है, बैठक के बाद कुछ हद तक तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।